बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, देखिए हम लोग डीआरडीओ के लिए एक सेंटर पर आए हुए हैं, बच्चे निकल रहे हैं। अभी बच्चे आते हैं तो मैं आप लोग को उनका रिव्यू कराता हूँ कैसा पेपर आया था। आज अक्सर फीटर के बच्चे आए हुए हैं, देखिए फीटर के बच्चे भी आ रहे हैं, सर भी आ गए हैं। आ जाइए, आ जाइए सर, स्टार्ट कर दिए ना, आ जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। और जैसा कि दोस्तों हमने कल जो है रिव्यू में बताया था, कुछ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के थे और फिटर ट्रेड के, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ कैंडिडेट आ चुके हैं जो कि हम आपको रिव्यू करवाएंगे और देखते हैं आज का लेवल कैसा था। बाकी कल का लेवल आप लोग को पता ही हो गया होगा, हमने आपको अच्छे से रिव्यू दिया भी था। तो यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट हमारे पास आए हुए हैं जिनसे हम पूछना स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, आप नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम इब्राहिम है। अच्छा इब्राहिम जी, हाँ जी आप बताएं। महेश कुमार। महेश कुमार। शुभम। हाँ जी। रोहित। रोहित कुमार। तो ये बताइए इब्राहिम जी, आपका ट्रेड क्या है? सर फिटर है। फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड में अगर देखा जाए तो किस मतलब जो है टेक में और नॉन टेक में देखा जाए तो नॉन टेक में जीके से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे? नॉन टेक में जीके से मतलब थोड़े हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। अच्छा हिस्ट्री से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री से थे और जीएस से क्वेश्चन थे। करंट से कुछ क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? दो तीन क्वेश्चन थे, एक क्रिकेट से था। क्या? शायद कोई क्वेश्चन याद हो, कोई ऑस्ट्रेलिया से कुछ क्रिकेट से था कुछ एक क्वेश्चन। कहाँ से थे? क्रिकेट से संबंधित कोई क्वेश्चन कि स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, आईपीएल वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सर एक्सरसाइजेस पूछ रहे हैं। अच्छा, जैसे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज पूछी थी। अच्छा एक्सरसाइज वगैरह पूछ रहे हैं कंट्री से, फीफा और अच्छा फीफा से पूछा। हां विंबलडन ओपन किसने जीता है? अच्छा पूछा था। और ये बताइए जैसे नॉन टेक में जीके जीएस में जैसे हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? जी हिस्ट्री से क्वेश्चन। थोड़ा देखना कैमरा मारा ना सही से, पराक्रम जो है आप लोग पीछे हो जाइए, कैमरे में आप लोग भी आ जाए। सर आ जाइए थोड़ा, पराक्रम दिवस पूछा था सुभाष चंद्र बोस की जयंती, यानी कि दिवस से क्वेश्चन आ रहे हैं पराक्रम दिवस। जी जी। और अगर जो देखा जाए तो नोबेल प्राइज वगैरह से कोई नोबेल प्राइज से कोई क्वेश्चन? अच्छा बुक आर्थर बुक को लेकर से नहीं, कोई गेट से इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती है? नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट डेट्स कोई पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस। और विटामिन वगैरह से कोई क्वेश्चन आ रहा है? आज की शिफ्ट में नहीं था। अच्छा विटामिन से आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। ओके। और रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग से कहाँ से आ रहे हैं? दो तीन क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। अरेंजमेंट हो गया। और दो थे क्या? और एक डायरेक्शन टेस्ट से था क्वेश्चन। सिटिंग से दो थे। डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन था और एक ही वाला था, एक रैंकिंग वाला था। ब्लड रिलेशन से ब्लड रिलेशन क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल थे, आसानी से बन जा रहे हैं। हां सिंपल है, बस थोड़े मिक्सचर के और परसेंटेज के दो तीन क्वेश्चन थे जो मतलब टाइम ले रहा था। हां तो टाइम ले रहे थे थोड़ी सी कैलकुलेटिंग। कौन सा फिटर ट्रेड कैसा था? फिटर ट्रेड। अच्छा ये बताइए जैसे कि कथन और निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं। अच्छा उससे नहीं आ रहा है। और मैथ में देखा जाए तो फिर कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में परसेंटेज मिक्सचर रेशो और SICI और सिटी फॉर्मूले बेस्ड। हाँ जी जी जी। अच्छा अच्छा ओके। क्या नाम है आपका? अभिषेक राजपूत। अभिषेक जी तो बताइए मैथ वगैरह में और कोई चैप्टर जैसे मेंसुरेशन वगैरह से कोई चैप्टर? मेंसुरेशन से नहीं आया, मेंसुरेशन नहीं आया, कोई भी नहीं क्वेश्चन था। और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से? उसमें भी कोई नहीं था, मतलब एडवांस मैथ नहीं आ रहा। हाँ ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल नॉर्मल जो है बेसिक से अगर देखा जाए तो आ रहा है ना। फिटर ट्रेड मतलब इतनी अच्छी है अगर जिसने थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ी होगी अच्छा आराम से क्रॉस करते हैं। अभी हम टेक पर बात करेंगे, अभी हम अपने नॉन टेक पर बात कर लेते हैं। जी सर ठीक है। अच्छा इंग्लिश में बताइए आप लोग कुछ। इंग्लिश में एंटोनिम्स एक आया था। हाँ ये सब एक एक थे, दो एरर थी और दो एरर थी सिंटैक्स एरर में आया। फिल इन द ब्लैंक्स पे फिल इन द ब्लैंक्स। और ये बताइए नरेशन वगैरह से? एक नरेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था नरेशन। नरेशन से आया था जी? नरेशन से जी। नरेशन की एक वाइज एक आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल से दो क्वेश्चन। एक सिंगल 2022 आया था। अच्छा अच्छा। हां हां क्या नाम जी आप बताइए? शुभम कुशवाहा। शुभम जी तो अच्छा इंग्लिश में और बताइए कहाँ से आ रहे थे? इंग्लिश में एक आया था एक्टिव पैसिव वॉइस से। दो एक्टिव पैसिव वॉइस आए थे। अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई क्वेश्चन? हाँ एक डायरेक्ट एक आया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आ रहे हैं क्वेश्चन। और इसमें देखा जाए तो चलिए अब टेक में बात कर लेते हैं। आप लोग का ट्रेड फिटर ही है ना? तो फिटर में अगर जो देखा जाए तो आज फिटर में पुलिस और चैन वाले से बहुत क्वेश्चन है। गियर वाले से पावर ट्रांसमिशन गियर से आया था। गियर से दो तीन क्वेश्चन थे। वो जो 5 अंश का होता नहीं है, 5 अंश डिग्री का हुआ आया था। रेडियस गेज का था एक क्वेश्चन।
और फिलर गेज का भी था कुछ, लेंथ पूछी थी ब्लड के लिए, बियरिंग से क्वेश्चन आए थे। हां बियरिंग से दो तीन क्वेश्चन थे, और जैसे ये याद हो तो कर बोल सकते हैं। हां एंगुलर कांटेक्ट बियरिंग का पूछा था क्वेश्चन, हां एक्सेल और रेडियल थ्रस्ट लेने के लिए एप्लीकेशन पूछा था, किसके लिए करेंगे, और एक रोलर बियरिंग का एप्लीकेशन पूछा था। अच्छा अच्छा, रोलर बियरिंग का होता है या अलग से बनाए हुए क्वेश्चन थे? नहीं था निमी से, लेकिन था निमी पैटर्न टोटल टोटल, यानी कि अच्छा ये हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जैसे निमी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं ऐसा, मतलब सही बात। हाँ मतलब 70 क्वेश्चन 80 में से लगो। अच्छा अच्छा 70 क्वेश्चन निमी से ही आ रहे हैं, निमी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी 10 क्वेश्चन जो है क्योंकि हमने जो तैयारी की थी निमी पैटर्न से, क्वेश्चन टोटली जो हमने की है सब निमी से पढ़े थे, निमी से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप लोग को देखने। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े मतलब इधर उधर है, बाकी सब नॉर्मल है, अच्छे हैं क्वेश्चन सारे वगैरह के बारे में। स्क्राइबर की जो आंगे पॉइंट होता है ना 12 से 15 ऐसे करके। अच्छा ये बताइए जैसे जो न्यूमेरिकल वगैरह है कहाँ आ रहा है? पूछा था फ्लूट, फ्लूट कितने होते हैं? अच्छा फ्लूट है ना, ड्रिल मशीन में फ्लूट कितने होते हैं? गन गन ड्रिल में फ्लूट कितने थे? अच्छा टूल्स वगैरह कोई आया हो तो आप लोग बताइए। साइन बार की दूरी पूछी थी, साइन बार की स्पेसिफिकेशन पूछा था कैसे होगा, साइन बार रोलों के बीच की दूरी, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, बहुत सिंपल सिंपल। और जो जो इंजीनियरिंग को जो वर्नियर वर्नियर कैलकुलेटर होता है उसकी अल्पमांक पूछी थी। हाँ वो 5 मिनट होती है, मेडिकल तो नहीं थे। अच्छा ये बताइए आप लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वहाँ से क्वेश्चन आए? एम्प्लॉयबिलिटी वो आपका अपन कैलकुलेशन से उसमें नहीं था, कोई नहीं। तो अच्छा टेक में और मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक था जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? बेयरिंग से क्वेश्चन थे और लुब्रिकेंट से थे क्वेश्चन। अच्छा लुब्रिकेंट से आ रहे क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन थे लुब्रिकेंट से। अच्छा अच्छा, और गेज से थे ज्यादातर क्वेश्चन, वैसे 3-4 क्वेश्चन केवल गेज गेज उस पे, क्या नाम गेज से 3-4 क्वेश्चन देख लिए, और बियरिंग के भी, बियरिंग भी ज्यादा। आ जाओ आ जाओ, हां जी नाम बताएं। गौरव यादव। ट्रेड क्या है आपका? फिटर, फिटर ट्रेड है। तो ये बताइए टेक में आपने कहां से ज्यादा क्वेश्चन देखा है? ज्यादातर वेल्डिंग से थे। अच्छा वेल्डिंग, पाइप से थे, पाइप से थे, ठीक है। और वेल्डिंग से 3 क्वेश्चन थे, वेल्डिंग से 3 क्वेश्चन थे। और जैसे गेज वगैरह बियरिंग हो गया, गेज से भी था। अच्छा गियर से भी था, बेयरिंग से था, गियर से था, जैसे चेन ड्राइव का आया था। अच्छा, एक मनीला रोप ड्राइव का आया था। अच्छा अच्छा, और पाइप रेंज का आया था 50 से 100 से 150 mm। 3 क्वेश्चन आए थे। ये बताइए जैसे निमी, निमी के आपने पीडीएफ पढ़ रखे थे ऑल टोटल निमी से? अच्छा ऑल टोटल जो है निमी से क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन निमी के बाहर नहीं था। अच्छा तो आप लोग जो है निमी के जरूर पीडीएफ रख लीजिएगा, बाकी यहाँ से हम क्वेश्चन। तो एक चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन से बहुत अधिक पूछ रहा है, जो पावर ट्रांसमिशन हुआ, गियर्स हो गया, चैन हो गया, पुली हो गया, तो बच्चों को ये रिवीजन मतलब ये गाइड करेंगे कि अपना पावर ट्रांसमिशन वाला एक बार रिवीजन कर ले कंसेप्ट। अच्छा अच्छा, सेट रेक्टिफायर सेट का। गियर से कितने क्वेश्चन आए थे? गियर से गेज 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 से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। आप ये कह सकते हैं पूछा गया था, डिस्काउंट माइक्रोमीटर का पूछा था, ये कल भी पूछा था, आज भी पूछा था। अच्छा अच्छा चलिए बढ़िया है। नॉन टेक में मैं बता दूं तो मैथ के क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आपका परसेंटेज पे आया था, और रेशियो से आया था, मिक्सचर एलिगेशन से आया था, एलिगेशन हो गया, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस मैथ में जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नहीं एडवांस मैथ में गए ही नहीं, टच ही नहीं किया, ओनली वर्क हो गया, आयत हो गया, यहाँ से कोई क्वेश्चन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रीजनिंग में जैसे एक 6 का डिफरेंस था, फिर उसका 4 ऐड करके 10 का, फिर 4 ऐड करके नंबर 3 से आया था, और एक आया था, एक क्यूब आया था, मतलब जैसे कि 2 का क्यूब 8 हो गया, फिर प्लस 1 9, फिर 5 का क्यूब करके आया था एक क्वेश्चन, एक उससे था सीरीज से था, वो ऑड नंबर पूछना था, ऑड और इवन, मतलब ऑड इवन पूछा। एक क्वेश्चन इसमें रीजनिंग में आया था, जैसे कि न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल होता है, उसमें कौन सा ऑड है, तो ए आई ओ यू था, ओ वॉवल था, कंसोनेंट थे, अल्फाबेटिक सीरीज में जो है क्वेश्चन देखा, कंसोनेंट और वॉवल में डिफरेंट, वो मतलब ऑड छाड़ना था, ऑड मतलब ऑड इवन, हां समझ गया मैं जी। और आपका इंग्लिश में जैसे एक एक्टिव पैसिव का आया था, एक आपका उससे आया था, मतलब कि दो से तीन क्वेश्चन उसके आए थे, आर्टिकल के आए थे। अच्छा आर्टिकल एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया, ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जैसे ये कहते हैं कि अनसीन पैसेज वगैरह देखने को नहीं मिला, नहीं नहीं अनसीन पैसेज वगैरह नहीं, अच्छा ही नहीं रहे, नो नो। फिल इन द ब्लैंक्स तो आया था, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, यही आर्टिकल्स के आए थे। अच्छा और सेंटेंस अरेंजमेंट का आया था, रीअरेंज द ऑर्डर, हाँ मतलब अरेंज कर जी, सेंटेंस एरर 4, मतलब कि 4 दे दिए, हाँ ए बी सी डी करके पी क्यू आर एस, तो उसमें हमें क्या नाम है? अमन, अमन नाम है आपका, कौन सा ट्रेड है? मेरा फिटर, फिटर ट्रेड है।
तो आपने ओवरऑल दिया, टाइमिंग तो नहीं कम पड़ा ना? नहीं नहीं, टाइमिंग मेरा 5 मिनट पहले ही हो गया था। अच्छा, 5 मिनट पहले हो गया। और सबसे ज्यादा टाइमिंग किस मतलब सब्जेक्ट में लग रहा था, टेक में या नॉन टेक में? टाइमिंग टेक्निकल में थोड़ा लगा, लेकिन नॉन टेक तो उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी था। अच्छा, इजी लेवल था। यानी कि अगर जो बेसिक से चीजें कोई पढ़ा हो तो चीजें हो जाएंगी। हाँ, लेकिन जो ITI जो किया हुआ है, जिसने अगर कैमरा देख लेना एक बार, जिसने ITI किया हुआ लेकिन उसको ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा, तो वो टेक्निकल नहीं निकाल पाएगा। अगर उसने और अच्छे से अगर ITI नहीं किया, अगर उसको फिटर थ्योरी को अगर उसने अच्छे से नहीं देखा हुआ, तो उसमें फिर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि थोड़ा जो टेक्निकल का लेवल था वो थोड़ा हाई था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, निमी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है? हाँ, निमी से ही क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि हमने कल भी रिव्यू किया था। अच्छा, आपने एग्जाम दिया? अच्छा, तो यानी कि निमी से 19% उसी टाइप मतलब कॉपी पेस्ट किया गया। अच्छा अच्छा जी, ये बताइए जैसे ये जो रीजनिंग है ज़्यादा टफ तो नहीं था ना, जैसे कोई और? 1% भी टफ नहीं था। और मैथ में? मैथ क्या है, थोड़ा सा लेवल उठाया गया। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया हमारा, या फिर शंकु हो गया, यहाँ से कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए? एक भी नहीं आए। नहीं आए थे, यानी कि एडवांस मैथ से नहीं पूछा? CPST था। हाँ, CISI SI था। हाँ, कंपाउंड से नहीं था एक भी। हाँ ठीक है। और आपका इसे क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम से भी एक भी नहीं था? अच्छा, नंबर सिस्टम से भी नहीं था। नहीं, ठीक नहीं, है नहीं। कोडिंग थी रीजनिंग में। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन। आ जाइए आप लोग। इंग्लिश में एक फिलिंदा ब्लैंक्स था। आपने एग्जाम दिया है? हाँ, एग्जाम दिया। आपका अभिजीत द्विवेदी। अभिजीत जी, आज आपका क्या नाम? अमोल शुक्ला। आप लोगों ने एग्जाम दिया है? जी, दुर्गेश यादव। थोड़ा आगे आजिए आप, थोड़ा आगे आजिए। हाँ बताएं, आप लोग का ट्रेड क्या है? फिटर ट्रेड से आपके क्या नाम है? फिटर कुलदीप मिश्रा। कुलदीप मिश्रा जी, तो आप लोग बताइए जैसे आप लोगों ने अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं आप लोग, तो नॉन टेक में लेवल क्या था? नॉन टेक लेवल भैया सही था, 40 क्वेश्चन आए थे। 40 आए थे क्वेश्चन करने लगते पूरा सही सही। 40 GS और GA जो थी, GS और मैथ मिला करके आए हुए थे। GS और मैथ मिलना करता था, 5 कर सकता था नहीं? अच्छा, 5 भी एक दो क्वेश्चन मिनिमम। अच्छा, अगर मैथ मैथ सही, क्योंकि जिसको नॉन टेक्निकल आती नहीं, मतलब GS ऐसी क्या होता है, फिटर में जो व्यक्ति होता है वो टेक्निकली पढ़ के जाता है, नॉन टेक बहुत कम करके जाता है। क्वेश्चन में कैसा था जो नॉन टेक में? आराम से 25 कोई भी कर सकता था, 25 28 कोई भी। 30 अगर अटेंड किया बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज बताइए जैसे इंग्लिश का बहुत लोग डरते हैं कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा एवरेज में थी, एवरेज रेटिंग है इंग्लिश का, ज्यादा हाफ नहीं थी। इंग्लिश में कुछ बताएंगे जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, बहुत टफ आ रहे थे? नहीं सर, नॉर्मल था। अगर इंग्लिश व्यक्ति ने थोड़ा बहुत ये भी आ रहे थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में जो है, यही सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंटोनिम्स था उसका, एक एक आया था बस, सिर्फ एक एक आया था, फ्रीडम आया था बस। अच्छा, ये अनसीन पैसेज आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे कुछ, सिर्फ एक सिनोनिम्स आ रहे, एंटोनिम्स कोई भी आ रहा है, और बाकी इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन नेम्स हैं। क्या नाम? इसके बाद एक्टिव हैं, पैसिव हैं। अच्छा, और करेक्ट इन करेक्ट हैं, मतलब जो एक हाँ, तो मतलब 5-6 क्वेश्चन ये हो गए हैं इसके। और इसके बाद मीनिंग से हैं, केवल 5 क्वेश्चन मीनिंग में भी है, मीनिंग में भी है करेक्ट करने के लिए, मिलाकर 40 क्वेश्चन बनाए हुए। और मीनिंग को आपको करेक्ट देखना, उसमें कौन सी करेक्ट है। अच्छा, जीएस के 10 क्वेश्चन आप बताएंगे जरा? वो नेशनल डेवलपमेंट ऑफ उसका जो था, अरे उसका वो थे हैंड टू हैंड किसके साथ हुआ अभी? चाइना के साथ गांधी जी का, अरे आश्रम वाला था गांधी जी का, आश्रम कहाँ पर बना हुआ है? बाकी मतलब नॉन टेक में कोई ऐसा कोई खास नहीं था, मुश्किल से एक। अच्छा, अगर जो ओवरऑल देखा जाए तो नॉन टेक में लोग कितना कर सकते हैं 40 में? नॉन टेक में भैया अगर मेरे साथ थोड़ा बहुत भी अगर व्यक्ति ने पढ़ा होगा तो ये 40 में से 10-15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा सही। नॉन टेक मिनिमम 20 क्वेश्चन अगर नॉर्मल, मतलब GS नहीं कर पाएगा 40 में, GS बहुत टफ आई। अच्छा, एक चीज बताइए, करंट अफेयर्स आ रहे कि नहीं आ रहे? बहुत टफ आ रही, बोल रहे पढ़ना आसान, इसने पढ़ा होगा पहले से। हम लोगों में देखा जाए जो टेक्निकल का सब्जेक्ट से पेपर हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैथ हो या इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, शुरुआत में। अच्छा, एक चीज आप लोग ये बताइए, जैसे अगर जो कैंडिडेट एग्जाम देने बैठता है तो उसे सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए, सेक्शन ए या सेक्शन बी? नहीं, मेरे हिसाब से पहले टेक्निकल करना चाहिए, पहले टेक्निकल कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकल एक लोग बोले टेक्निकल में क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होता है, टाइम हम लोग पास लिमिटेड होता है। अगर टेक्निकल अगर हमारा 80 हो गया तो 40 में से क्या है कि हम लोग लगाते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सही बात है, तो आप लोग सबसे पहले टेक के ही क्वेश्चन कीजिएगा, टेक का ही करना। और टेक में सभी क्वेश्चन सही आएंगे, एक दो क्वेश्चन फंसाएगा, बाकी 79 टेक्निकल अगर आपको आ रहा है तो आप 45 से 40 मिनट में आप क्वेश्चन सारे कर लेंगे, अगर आता है आपको। अगर नहीं आता है तो आप 1.5 घंटे नहीं सब कुछ बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर तो नॉन टेक्निकल भी जरूरी करना, क्योंकि वे नंबर एकदम बहुत हाई
अच्छा ये चीज आप लोग बताइए, आप जो है किसी ने किसी रूम नंबर में थे तो वहाँ पर प्रेजेंटिंग किस हिसाब से थी? सभी लोग आ रहे थे या फिर कुछ क्या लग रहा था? 99% लोग, अच्छा 99% लोग जो है प्रेजेंटिंग जो है आ रहे हैं, यानी कि कोई छोड़ नहीं रहा है। मेरिट बहुत हाई जाएगी। हाँ मेरिट बहुत हाई जाएगी, 100 नंबर से कम किसी के भी है तो भूल जाए। पेपर सही आया, यानी कि ओवरऑल नंबर से ऊपर ही जाएगा। ओवरऑल ये देखा जाए तो 40 नंबर जो नॉन टेक के आ रहे उसमें से आपको 30 सही करना होगा, और अगर जो टेक की बात करें तो 70-75 होने चाहिए। सही नहीं करना मतलब, मतलब कट ऑफ के लिए अगर जो आप एलिजिबल होना चाहते हैं मिनिमम चाहिए 100 से नीचे आए तो नहीं चाहिए, 30 चाहिए चाहिए उसमें नॉन टेक, बिल्कुल बाकी टेक्निकल में ये नॉर्मली आ जाते हैं, 30 नॉर्मली आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, हां हां। और कुछ मतलब सजेशन देना चाहें आप लोग जो कल के कैंडिडेट हैं? बस यही है कि थोड़ा मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दे दे, एक दो क्वेश्चन बता सकते हैं? ध्यान देना जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैथ रीजनिंग, उसको सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिकता है कि वो अपना जो टेक्निकल पोर्शन है वो मैन इम्पोर्टेंट है, मैन इम्पोर्टेंट। अच्छा अभी एक पेपर ही है। अच्छा एक चीज ये बताइए, एक चीज आप लोग ये बताइए, निमी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और टेक्निकल, हां निमी से आते हैं क्वेश्चन। निमी का क्वेश्चन आया था सिर्फ एक या दो क्वेश्चन छोड़ के, बाकी सब निमी का था। अच्छा पूरे 79 क्वेश्चन थे, मतलब अगर 80 का हम लोग एवरेज निकाले तो 50% जो था, 50 नंबर जो क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन वो और निमी से ही थे। बहुत से लोग निमी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल में अगर देखा जाए तो ज्यादा कर उठा रहा गियर से है, पावर ट्रांसमिशन वगैरह से ले रहा है और मेटल से भी ले रहा है, मेटल से भी है। मेटल से मान लीजिए पूछा और टूल्स, हाँ टूल्स का भी पूछते हैं, टूल्स तो नॉर्मल है बाकी मेटल से ज्यादा आ रहे हैं ये चीजें हैं, और क्या नाम उसका पावर ऑफ ट्रांसमिशन से भी ज्यादा आ रहा है, ट्रांसमिशन से आ रहा है, रीमर का है, हैमर है, और जैसे इसका मेटल का है, और उसका ये फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर से उठाए। अच्छा एक चीज ये बताते जाइए, जैसे अभी एक जो क्वेश्चन चला था गन गन ड्रिल में कौन से कितने फ्लूट होते हैं, कितने फ्लूट होते हैं इसमें, सिंगल फ्लूट होता है तो सिंगल। और कोई क्वेश्चन आपको लोग याद हो तो बताएं, गन ड्रिल का आया था और ग्राइंडिंग का क्या आया था? बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन आए थे बस यही थे, उसको क्या बोलते हैं अगर लोहे में, लोहे में अगर जिंक की परत चढ़ा दी जाए तो क्या बन जाता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड जो प्रोसेस होता है, हां सही बात, वो भी एक क्वेश्चन आया था, वो क्या कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, हां गैल्वेनाइजेशन जो कहते हैं, वो भी क्वेश्चन आया था कि लोहे में अगर जिंक की परत चढ़ा दी जाए तो क्या होता है? हेक्सा जो ब्लेड होता फ्रेम ऐसा ब्लेड, उसमें दो मतलब जो दांतों के बीच में उसकी दूरी क्या होती है, उसको क्या बोलते, पिच बोलते हैं या डेप्थ, मतलब एयर रिसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच अलग होती है, पिच पिच होती दो दांतों के बीच की दूरी पिच बोलते हैं, उसका जो उसकी गहराई वो नहीं पूछ रहा था, उसमें वो नहीं पूछ रहा था, वो अगर लगाए वो गलत लगा दिया आपने, पिच नहीं पिच सोची और कैसे सोची। और क्वेश्चन था आपका दूसरा ये कि टेक्निकल में हमारा जिस पूछने का तरीका वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए, फाइलों के भी आया था, फाइलों का मेन नाम तो नहीं, फाइलों घुमा के पूछ रहे थे, किसी का एक उपनाम होता उसका है, हाँ तरीके से पूछ रहे, नाम से पूछ रहे थे वो लोग। अगर हम लोग क्वेश्चन को समझ के नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सही करते हैं गलत कर दे, गलत आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर आपने दो तीन बार क्वेश्चन कायदे से नहीं पढ़ा, मतलब रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बनाए जाते हैं, होता क्वेश्चन वही बस घुमा करके उसको बोलते हैं। आपने अच्छा मैं तो दे चुका हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मतलब क्वेश्चन ऐसा है, दो क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछा है, अच्छा डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ से, हां दिशा से, उन्होंने दिशा से डायरेक्शन से, ठीक है ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, नहीं नॉर्मल ही, सिटिंग अरेंजमेंट भी दो आए थे, सिंपल था, जैसे घुमाया था उसमें, सेंटर की तरफ केंद्र करके बैठा हुआ है, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा। कितने लोगों को बैठा, 6 लोगों को, 8 लोगों को, 8 लोगों को, एक 8 लोगों में आया था, एक पंक्ति में आया, रो अप एंड डाउन वाला रो में आया था पंक्ति जी। ओके ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब लेवल बहुत ज़्यादा नहीं टफ था, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा स्टॉप कर दो, हाँ थोड़ा सा स्टॉप कर दो। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग ने जो है यहाँ पर हमने एनालिसिस करवाया, ये जो है कानपुर का यहाँ पर कल्याणपुर साइड में ये सेंटर है, एसएन टेक्नोलॉजीज करके नाम से है, तो अभी तक यहाँ पर जो है फिटर के ही कैंडिडेट हमें मिले, और हमने यहाँ पर कल भी फिटर के और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हमने रिव्यूज़ करवाए थे, और आज भी ज़्यादातर लोग जो है हमें फिटर ट्रेड के मिले, बाकी अदर ट्रेड के अगर जो मिलते हैं तो वो भी मैं रिव्यू करवाऊँगा, बाकी आप लोग ये वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिव्यूज़ वगैरह जो है हम करवाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।